सभी योग प्रेमियों को, योगाभ्यासियों को और योग के विद्यार्थियों को नमस्कार, हरिओम। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे पवन मुक्तासन श्रेणी 2 की, यानी पवन मुक्तासन सीरीज 2। इसके पहले मैंने अपने ट्यूटोरियल में पवन मुक्तासन सीरीज 1 के बारे में चर्चा किया था। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जो योग का अभ्यास प्राइमरी स्टेज में सीखना चाह रहे हैं कि शुरुआत से ही योग का अभ्यास कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। साथ ही साथ ये जो आसन है, जो वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी योग के बहुत महत्वपूर्ण होगा जो योग का कोर्स कर रहे हैं लेकिन कहीं से प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, खास करके जो ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैं पवन मुक्तासन सीरीज 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने ट्यूटोरियल में पवन मुक्तासन सीरीज 1 के बारे में बताया था। पवन मुक्तासन के बारे में आप जान लीजिए कि पवन मुक्तासन 3 शब्दों से मिलकर बना है, पवन मुक्त आसन। पवन का अर्थ आप विंड कह लीजिए और योग की भाषा में उसको कहिए प्राण, जो हवा से काफी सूक्ष्म है, हमारी सांस से भी सूक्ष्म है प्राण। तो विंड का मतलब प्राण, मुक्त का मतलब रिलीज और आसन का मतलब पोज, यानी ये सारे ऐसे पोजेज हैं जो हमारे प्राण को रिलीज करते हैं, प्राण को मुक्त करते हैं। मुक्त करने का मतलब प्राण के अवरोध को मुक्त करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में प्राण ही इसका आधार है और जब प्राण के प्रवाह में बाधा आती है, प्राण के फ्री फ्लो में कोई प्रॉब्लम आती है, ये बाधा कई तरीके से आती है, हमारे गलत उठने बैठने से, हमारे गलत जो हमारा बॉडी पोस्चर है उससे, हमारी खान पान की गलत आदतों से, हमारे निगेटिव थिंकिंग से, मेंटल टेंशन से और भावनात्मक असंतुलन से, यानी इमोशनल इम्बैलेंसेस। ऐसे तमाम कारण हैं जिससे हमारे शरीर के प्राणिक फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है। और जब ये बाधा उत्पन्न होती है तो शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि हमारे मसल्स में सबसे पहले इसका प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि मांसपेशियों में, यानी कड़ापन आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है मांसपेशियों में, ज्वाइंट्स में, स्पाइन में। एक ऐसे जैसे बॉडी हमारी लेथार्जिक हो जाती है, उसके मूवमेंट में आलस्यपन आ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। और जब ये स्टेज लंबा चलता है, यानी मानसिक असंतुलन, मेंटल टेंशन, भावनात्मक असंतुलन या हमारी गलत जो उठने बैठने की आदतें हैं, जब ये कई बार बहुत दिन तक होने लगती हैं, तो ये जो स्टिफनेस है ये संबंधित अंगों के रोग में ट्रांसफर हो जाता है, फिर हमारे शरीर में कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न। तो उन व्याधियों के निवारण के लिए फॉर द फ्री फ्लो ऑफ द प्राणिक एनर्जी, ये जो पवन मुक्तासन सीरीज के आसन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके पहले मैंने जो बताया था पवन मुक्तासन सीरीज 1 बहुत आसान था, सब लोग उसको कर सकते थे। सीरीज 2 स्पेशली एब्डोमिनल एक्सरसाइज के लिए, यानी हमारे जो उदरीय अंग हैं इनसे संबंधित है और स्पाइन से संबंधित है। पवन मुक्तासन सीरीज 1 वात निरोधक ग्रुप का था, रूमेटिक ग्रुप का था, ये एब्डोमिनल एक्सरसाइज ग्रुप का है। पवन मुक्तासन 3 जो मैं आपको बताऊंगा, यानी पवन मुक्तासन सीरीज 3 जो आपको बताऊंगा, वो हमारा शक्तिबंध समूह का होगा। तो ये पवन मुक्तासन सीरीज 1, पवन मुक्तासन सीरीज 2 और पवन मुक्तासन सीरीज 3, ऐसे 3 श्रेणियां हैं पवन मुक्तासन की और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके सभी लोगों के लिए। इसको यंग भी कर सकते हैं, ओल्ड एज में जो वो भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सावधानी के साथ। अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि करने में आसान है, सोचते हैं कि इसको ना करें, सीधे हम आसन करें। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत समझिए गलती कर रहे हैं। अगर आप योग के टीचर बनने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि पवन मुक्तासन किसी को कराने के बाद ही आप आसनों में प्रवेश करें, पवन मुक्तासन की जितने सारी क्रियाएं हैं, क्योंकि बिना इनके अगर आप करेंगे तो आप एक तो आसन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, दूसरे आपको समस्या भी होगी। अगर कोई आगे के आसन नहीं कर पा रहा है, सिर्फ पवन मुक्तासन सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 कर ले रहा है लगभग 1 महीने तक, तो वो अपने बॉडी में बहुत परिवर्तन महसूस करेगा। और यकीन मानिए कि 1 महीने करने के बाद आप प्रैक्टिकली इसको फील कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज जिन आसनों के बारे में आज मैं इस पवन मुक्तासन सीरीज 2 में बताऊंगा, उसमें सबसे पहले है उत्तान पादासन, रेस्ड लेग पोज, जिसको पादोत्तानासन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे लेग रोटेशन, यानी पाद चक्रासन। तीसरे पे है साइकिलिंग, पाद संचालन आसन। चौथे पे हम लोग करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन, जिसको पवन मुक्तासन भी कहते हैं, आप इंग्लिश में कह सकते हैं लेग लॉक पोज। उसके बाद झूलने की क्रिया होगी,
उसमें रॉकिंग एंड रोलिंग होगा। फिर करेंगे हम लोग छठे नंबर पे सुप्त उदरकर्षासन यानी स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेस पोज। उसके बाद यूनिवर्सल स्ट्रेस पोज करेंगे, यूनिवर्सल ट्विस्ट स्ट्रेस है जिसको आप सौ उदरकर्षण कहते हैं। आखिरी में करेंगे नौकासन। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके इन आसनों को हम कैसे करेंगे और उनसे संबंधित क्या सावधानियां हैं, करने की सही विधि क्या है, साथ ही साथ उसके लाभ क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले जितने आसनों का हमने नाम लिया है पीठ के बल लेट कर ही करना है। तो पीठ के बल लेटेंगे, ये हमारा बेस पोज होगा। साथ ही साथ है इसको करने के लिए इस बात का आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे पाचक अंग हैं यानी पूरा हमारा पाचन तंत्र है, विशेषकर इसके लिए और हमारे स्पाइन के लिए इसी पे फोकस होता है। साथ ही साथ इन आसनों के अलग अलग और भी ढेर सारे लाभ हैं जिनकी चर्चा हम लोग इस दौरान करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे आप स्टार्टिंग पोज में, जिसको आप बेस पोज कह सकते हैं। ये है बेस पोज। बेस पोज में आपको दोनों पैरों को सीधा करके लेट जाना है, हथेलियां आपके कमर के अगल बगल नीचे की ओर। बहुत शांत मन से करना है हर एक योगाभ्यास, कोई भी जल्दबाजी नहीं। इस प्रकार लेटने के बाद दो चार लंबी गहरी सांस लेंगे शरीर को से। बाएं पैर को सांस भरकर धीरे धीरे उठाएंगे। सारा ध्यान पैर पे रहे, पैर आपका सीधा होना चाहिए, घुटने से मोड़े नहीं। पैर की मांसपेशियों पे ध्यान, जो खिंचाव हो रहा है, और पेट। इस प्रकार पैर को आप सीधा, हो सकता है आप इतना सीधा ना कर पाए तो आप इतना करिएगा। शुरू में अधिक लगे तो आप इतना कर सकते हैं, लेकिन प्रयास धीरे धीरे आप करते करते पैर को इस प्रकार सीधा करना है। इस स्थिति में आने के बाद सांस को रोक कर 3-4 सेकंड तक रुकना। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए वापस आना। एक दो लंबी गहरी सांस लेनी है, सामान्य हो जाए तो फिर आप यही क्रिया दाहिने पैर से करेंगे। सांस भर लेंगे, फिर धीरे धीरे उठाएंगे। आखिरी पोजीशन में सांस को होल्ड करेंगे 3-4 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैर से मैंने एक एक बार किया, आप 5 बार कर सकते हैं, बारी बारी से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करें। इसमें थोड़ी आपको मेहनत लगानी होगी, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, इसलिए जिनसे हो पाए वही करें। कुछ सावधानियां इसके लिए हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जो हार्ट के पेशेंट हो, जिनको स्लिप डिस्क हो या साइटिका हो या पीठ में कोई चोट वोट लगी हो, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। दोनों पैरों को मिला ध्यान इसी बात का देना है, बाकी नहीं पता। ध्यान रुकिए, सांस रोकिए। लंबी गाड़ी सांस लेंगे, वापस आने पर सामान्य करेंगे सांस को। इस बात का ध्यान दें कि जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो आपके पे काफी तनाव होता है, यहाँ की मांसपेशियों पे वाइब्रेशन भी होगा। कुछ देर आप यहाँ भी रुक सकते हैं, धीरे धीरे वापस आए। थोड़ी हाइट और बढ़ा सकते हैं, सांस भरेंगे
पैर उठाएंगे, सांस को रोके रखेंगे, वापस आते समय सांस बाहर निकालेंगे। तो जब आप इस पोजीशन में रहते हैं तो सबसे अधिक तनाव होता है। जैसे जैसे पैर को आप ऊपर उठाते हैं आपका तनाव कम होता जाता है। ध्यान इस बात का देना है कि जिनके पीठ में दर्द हो बहुत अधिक, साटिका हो, स्लिप डिस्क की समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी लोग कर सकते हैं। बात करते हैं इसका लाभ क्या है। तो इसका लाभ हमारे मेन मुख्य रूप से हमारे एब्डोमिनल रीजन पड़ता है कि जिनको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है और समस्या उनकी समाप्त होती है, बहुत लाभ मिलता है उसमें। साथ ही साथ हमारे पैर की मांसपेशियां और कमर की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, हेल्दी होती हैं। वहां की जो प्राणिक एनर्जी है उसका फ्री फ्लो सुनिश्चित होता है, प्राणिक अवरोध खत्म होता है। तो ये था पवन मुक्तासन सीरीज 2 का पहला आसन, उत्तान पाद आसन, पादोत्तान आसन, या कह सकते हैं इंग्लिश में रेज्ड लेग पोज। हर एक आसन करने के बाद आप दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे चक्र पादासन या पाद चक्र आसन कह सकते हैं, लेग रोटेशन। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अक्सर वैसे करने के लिए किसी पैसे कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि जो लोग राइट हैंड वाले हैं, यानी जिनका सारा काम लिखने पढ़ने का काम दाहिने हाथ से होता है, उनको बाएं तरफ से शुरू करना चाहिए। और जिनका बाएं हाथ से जो लिखना पढ़ना काम होता है, इनका बायां अंग काफी सक्रिय रहता है, उनको दाहिने पैर से शुरू करना चाहिए, जिससे जो संतुलन है वो बना रहे। अब देखते होंगे जो लोग दाहिने हाथ से लिखने पढ़ने काम करते हैं वो दाहिने तरफ से आसानी से आसनों का अभ्यास कर ले तो थोड़ा सुविधा होती है करने से, लेकिन जो दाहिने राइट हैंडेड है उनको लेफ्ट से शुरू करना चाहिए। क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ इसलिए मैं लेफ्ट से शुरू करूंगा, ताकि जो हमारा संतुलन है मांसपेशीय संतुलन, ब्रेन से कोऑर्डिनेशन बना रहे। वैसे उठाना है सीधे पैर को 5 सेंटीमीटर ऊपर, सांस भर के जब ऊपर आप जाएंगे, पैर का बड़ा सा सर्कल बनाएंगे तो सांस अंदर भरेंगे और पैर को नीचे लाएंगे तो सांस बाहर निकालेंगे। यानी पैर को ऊपर ले जाते समय इनहेल करना है, नीचे ले जाते समय एक्सहेल करना है, और एक एज मच एज पॉसिबल बड़ा सा सर्कल बनाना है। दूसरी तरफ से यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है। ऊपर ले जाते समय सांस भरना है, नीचे ले जाते समय सांस को बाहर निकालना है। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, आपका सारा ध्यान पैर की मांसपेशियों पे, पेट की मांसपेशियों पे, पीठ की मांसपेशियों पे होना चाहिए और सांस पर ध्यान होना चाहिए। ऐसे वापस आ जाएंगे, यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना, बड़ा सर्कल होना। बाकी पूरा शरीर स्थिर करना, आप कम से कम 10 बार इसको सर्कल बना सकते हैं। दोनों पैर से बारी बारी से करने के बाद अब मिलाकर दोनों पैर एक साथ करना। मिलाकर करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा कठिनाई भी होता है कई लोगों को। तो ध्यान सावधानी इस बात की रखनी है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको स्लिप डिस्क है, साटिका है, उस अभ्यास को नहीं करेंगे। पवन मुक्तासन सीरीज 2 के सभी अभ्यासों में इस बात का ध्यान रखना है। नीचे ले जाते समय आपको एड़ी जमीन से टच नहीं करानी है, एड़ी आपकी जमीन से थोड़ी ऊपर ही रहे 5 सेंटीमीटर हवा में। वापस आ जाएंगे, दो तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, क्योंकि सांस आपकी तेज चलने लगती है। बात का ध्यान रखना है आपको हर एक आसन में योगाभ्यास के दौरान कि सांस की गति सामान्य होने पर ही दूसरा अभ्यास शुरू करें।
ये हमने किया अभी दूसरा अभ्यास लेग रोटेशन चक्रपादासन। इसके लाभ की बात करें तो इसका लाभ हमारे एब्डोमिनल रीजन पे है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और इस पूरा एरिया में एब्डोमिन यानी जो अपान वायु का क्षेत्र है और समान वायु का क्षेत्र है ये इससे प्रभावित होता है। इसलिए जिनको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, उससे निजात मिलने में काफी सहायता मिलती है। दूसरी बात, जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, थाई बहुत मोटी हो गई है, दोनों जांघें आपस में सट गई है, पेट बड़ा सा निकला हुआ नीचे लटका हुआ पेट, उनके लिए भी यह काफी लाभदायक अभ्यास है। मोटापा कम करता है अभ्यास। आप इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अभी हम आपको 5-5 बार करके दिखाएं, आप इसका अभ्यास 10-20 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर अभ्यास के बाद थोड़ा विश्राम जरूर करें। तीसरा अभ्यास करेंगे साइकिलिंग का, पाद संचालन। इसमें पहले हम एक पैर को ऐसे लाते हैं, फिर ऐसे वापस अपनी तरफ लाएंगे, घुटने को जब सीने की ओर लाएंगे तो सांस बाहर निकालेंगे, जब सीधा करेंगे पैर को तो सांस भरेंगे। यही क्रिया इस पैर से भी, आप राइट हैंड वाले हो ध्यान दें बाएं पैर से शुरू करें, बाएं हाथ वाले हो तो दाहिने पैर से शुरू करें। उसके बाद वापस आएंगे, दोनों पैरों से करेंगे, ध्यान आपका दोनों पैरों पे, इसमें सामान्य श्वास गति रहेगी। उल्टा भी दो तीन लंबे गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स होंगे। इसके बाद दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ रिलैक्स। ये हमारा साइकिलिंग था, साइकिलिंग तीसरा अभ्यास था, पवन मुक्तासन सीरीज टू का। लंबी गहरी सांस लेते हुए विश्राम करेंगे। अब आपको करना है अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का, लेग लॉक पोज या सुप्त पवन मुक्तासन भी इसको कहते हैं। इसमें हम दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं, यानी दाहिने पैर से शुरू करते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो या फिर राइट हैंडेड हो। दाहिने तरफ से शुरू करने का उद्देश्य ये रहता है कि जब आप दाहिने पैर को मोड़ते हैं तो हमारा जो असेंडिंग कोलोन है इधर से दबाव पड़ता है और फिर इधर जाता है। उसके बाद हम बाएं से भी करते हैं। करने की विधि क्या है, सीधा इसी प्रकार आप बेस पोजिशन में स्टार्टिंग पोजिशन में लेते रहेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ना है, सीने की ओर लाना है, उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे और फिर इसको पैर को दबाते हुए सीने की ओर लाएंगे, सांस को पूरी तरह बाहर करेंगे, फेफड़े को खाली करेंगे और फिर गर्दन को, सिर को, शोल्डर को उठाते हुए नाक से स्पर्श करना है घुटने को। हमारा एक पैर सीधा रहेगा पूरा, सांस बाहर करेंगे, जब आप नासिका से घुटने को स्पर्श करा ले तो कुछ सेकंड्स तक, कुछ मन में गिनती गिनिए, 10 गिनती तक, 15 गिनती तक, शुरुआत में 5 से शुरू करिए, होल्ड करना चाहिए, कुछ देर रुकना चाहिए। ऐसे ही आप बाएं पैर से करेंगे, घुटने को मोड़े, हाथ को उंगलियों को लॉक किया, इस प्रकार थोड़ा सा पुश किया, दबाया, सांस को पूरी तरह बाहर किया और नाक से घुटने को स्पर्श करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आंख बंद करके अभ्यास करेंगे,
तो आपको और अच्छा लगेगा। आप अपने अंगों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आंखें बंद करके योग का अभ्यास करेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, संबंधित मांसपेशियों पे, संबंधित अंगों पे, और जो दबाव खिंचाव तनाव उत्पन्न होता है अभ्यास के दौरान उस पे संबंधित अंगों में प्राण के प्रवाह पर ध्यान आप केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके अभ्यास करें तो आपके लिए अच्छा है। बारी बारी से हमने कर लिया, दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करेंगे, दोनों पैर को इस प्रकार मोड़ेंगे, करीब में लाएंगे और इसी प्रकार लॉक करें, सांस बाहर। दोनों घुटने के बीच में जो जगह है उसमें नाक को सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, सांस को बाहर निकालते हुए खाली करते हुए नाक से स्पर्श कराना है, कुछ देर होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांस भरते वापस। आप एक से अधिक बार कर सकते हैं, मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ इसलिए एक एक बार करके दिखा रहा हूँ, इससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। आप इसका अभ्यास बारी बारी से दो तीन बार भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन करते समय भी ध्यान इस बात का देना है कि जिनको सर्वाइकल स्पंडलाइटिस हो या फिर स्लिप डिस्क हो, साटिका हो, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो वो भी इसका अभ्यास सावधानी से करें, अगर उनका दम नहीं घुट रहा हो, कई बार सांस फूलने लगती है सांस बाहर निकाल के होल्ड करने में, इसलिए उनको भी वर्जित किया जाता है। पवन मुक्तासन के लाभ की चर्चा करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही यूजफुल है। जिनको इनडाइजेशन हो, हाइपर एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या जिनको गैस बनती हो, गैस प्रॉब्लम हो, इन सारी समस्याओं में यह पवन मुक्तासन बहुत ही अधिक लाभ पहुंचाता है। इसीलिए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, दूसरे को भी करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्पाइन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, साथ ही साथ नपुंसकता में, बांझपन में, और जिनको माताओं बहनों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम हो, वो भी इसका अभ्यास करके लाभ उठा सकते हैं। उनको नहीं भी अभ्यास इसका करना चाहिए। ये तो था पवन मुक्तासन, हमारा जो चौथा पोज था पवन मुक्तासन सीरीज 2 का। अब करेंगे पवन मुक्तासन के मुद्रा में आएंगे और झूलने की क्रिया करेंगे, लुढ़कने की क्रिया करेंगे। बहुत ही आनंद आता है इसमें। रोलिंग रोल करना, आप दाएं बाएं रोल करना, आगे पीछे रोल करना है। बैठेंगे जो इस प्रकार आपका जो बॉडी का पोजीशन होगा ऐसे होगा, आगे चल के इसमें बैठते भी हैं जब आगे हम रोल करते हैं। शुरुआत करते हैं ऐसे, सांस को बाहर निकालते हुए आप एक तरफ आएंगे, बीच में आएंगे सांस भरते हुए, दूसरे तरफ जाएंगे सांस बाहर निकालते हुए। पूरी पीठ का मसाज होता है इससे। ऐसे ही अब बैठ जाएंगे इसमें, आगे वाले अभ्यास को करने के लिए ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं। ऐसे आप कई बार दाहिने बाएं और आगे पीछे रोल कर सकते हैं। ध्यान इस बात देना, जब आप आगे आए तो पंजे के बल हो जाए इस प्रकार, और पीछे अपने आप फिर लुढ़क जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सावधानी जो मैंने पहले बताया वो तो सावधानी की बात सही है, साथ ही साथ आपको देखना है कि आप जब इस अभ्यास को करें तो नीचे कोई कंबल हो, मोटा हो, बहुत पतला ना हो। बहुत पतला रहेगा तो आपके स्पाइन में वो गड़ेगा, चोट भी लग सकती है। साथ ही साथ पीछे आप जाएं तो सिर पे भी ध्यान दें कि चोट लगने की गुंजाइश ना रहे। तो अभी हमने एक किया लुढ़कने का और झूलने का अभ्यास, रॉकिंग एंड रोलिंग। हमारा पांचवा अभ्यास था
पवन मुक्तासन सीरीज 2 का। अब हम लोग करेंगे छठा अभ्यास सुप्त उदर कर्षण आसन स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेस पोज। बेस पोजीशन में आएंगे तो लंबी गहरी सांस लेंगे अगर आपकी सांस तेज चल रही हो। दोनों पैर को मोड़ेंगे, कम से कम अभी हिप से सटाएंगे नहीं, हम हिप से थोड़ा दूर ही रखेंगे। 60 सेंटीमीटर आप मानिए, 50 से 60 सेंटीमीटर इसको दूर रखिए। दोनों पैरों को आपस में सटाइए, पैर के पंजों को आपस में सटाइए। हाथ को इस प्रकार आप फंसा सकते हैं उंगलियों को और इसको सिर के नीचे रख लीजिए जैसे आप तकिया रखते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने पैर पर स्पाइन पर ध्यान दीजिए, पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। पैर को बाईं ओर ले जाना है, सिर को दाहिनी ओर ले जाना है, यानी ट्विस्ट करना है। इस प्रकार आपको करना है। ध्यान इस बात का देना है कि जब आप बाएं जा रहे हैं तो आपके पैरों में बहुत गैप ना हो, ऐसे इस प्रकार ना हो, दोनों पैर के पंजे आपस में सटे रहे, घुटने भी आपस में टच हो। घुटना आपका थोड़ा सा नीचे आएगा, बहुत अधिक नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप पूरा इसको करते समय पैर को आगे पीछे बहुत अधिक कर ले, बहुत डिस्टेंस हो जाए, ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ जब आप सेंटर पोजिशन से जहां एक तरफ तो आपका उसी के साथ साथ सिर दूसरी ओर आना चाहिए और सांस बाहर निकालते हुए आएंगे इस पोज में। जब आप सेंटर में आएंगे तो सांस अंदर लेते हुए आएंगे, ऐसे ही दूसरी तरफ जाएंगे तो सांस बाहर निकालते हुए, सेंटर में आएंगे सांस लेते हुए, ऐसे करना है। अभी हमने पंजे को दूर किया था हिप से, अब जैसे जैसे इसको आप हिप के करीब लाएंगे, अगर आप दूर रखते हैं तो आपके स्पाइन के निचले वर्टेब्रा पे असर पड़ता है। जैसे जैसे आप इसको करीब लाते हैं ऐसे ऐसे ऊपर दबाव, यानी दबाव आपका ऊपर आने लगता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है, स्पाइन को रिलीज करने के लिए, वहां के टेंशन को, प्राण के प्रवाह को सुचारू ढंग से पूरे स्पाइन में करने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी ही हमारे पूरे शरीर का एक तरह से मेन आधार है, तो इसलिए उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अगर रीढ़ की हड्डी में कड़ापन रहेगा तो आप अपने आप को दरो ताजा या एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। तो थोड़ा हम पैर को खिसकाएंगे और फिर वही अभ्यास करेंगे। थोड़ा और खिसकाएंगे, दबाव और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ट्विस्ट और ऊपर से होगा। इस प्रकार करने के बाद कई बार आप इसको कर सकते हैं, वापस आएंगे। अगला अभ्यास है सौ उदर कर्षण यूनिवर्सल स्ट्रेस पोज या यूनिवर्सल ट्विस्ट पोज। इसमें हाथ को इस प्रकार फैलाना रहता है, इस प्रकार फैलाने के बाद आप राइट हैंड है तो आप लेफ्ट वाले को घुटने को मोड़ लेंगे, ऐसे रखेंगे दाहिने पैर के घुटने के पास ऐसे, और हाथ को आप यहां रखेंगे। प्रयास करें घुटना आपका जमीन से स्पर्श करें और गर्दन को आप मोड़ते हुए आप इस हाथ के मध्यमा उंगली के सेंटर में नजर गड़ाएं, यानी मध्यमा उंगली को देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। सांस बाहर निकाल धीरे-धीरे वापस।
दूसरा अभ्यास वही, फिर इस बार आप दाहिने पैर को घुटने से मोड़े हैं, बाएं हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे, आपका घुटना दाहिना आएगा बाईं ओर, गर्दन जाएगी दाहिनी ओर, दाहिने हाथ के मध्यम अंगुली को आप देखेंगे गर्दन से, और इसको प्रयास करें घुटना आपका जमीन से स्पर्श करे। हो सकता है शुरू में आपका घुटना स्पर्श ना करे, लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए हमको स्पर्श कराना है। जब हम इधर जाएंगे श्वास बाहर करते हुए जाएंगे, वापस आएंगे तो श्वास अंदर भरते हुए आएंगे। ये हमारा था यूनिवर्सल ट्विस्ट पोज या सौ उदर कर्षण आसन। दो लंबी गहरी सांस लेंगे, इसमें भी सावधानी की बात वही रखनी है, जिनके कमर में दर्द हो, बहुत अधिक सैटिका सिद्धिस्की की समस्या हो, उसका अभ्यास नहीं करेंगे। ये हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है, साथ ही साथ इसका अभ्यास करने से हमारे जो दोनों उदर कर्षण, चाहे सुप्त हो चाहे इसका अभ्यास जब आप करते हैं तो आपके पीठ की मांसपेशियों में जो दर्द होता है अकड़न के कारण, मांसपेशियां जकड़ जाती है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध वहां पे पैदा हो जाता है, तो वो समस्या दूर होती है। धीरे धीरे आपके स्पाइन बहुत लचीली हो जाती है, स्पाइन में जो कड़ापन है वो दूर हो जाता है, पीठ का दर्द आपका यंत्र अभ्यास से खत्म हो जाएगा, कमर की दर्द भी जो है उसकी समस्या दूर होगी, और आप अपने आप को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि जब शरीर का कड़ापन दूर होता है तो हमारे अंगों का संचालन ठीक ढंग से होता है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह ठीक ढंग से होने लगता है। इन आसनों का अभ्यास इसीलिए बहुत जरूरी है। अगला अभ्यास जो आखिरी अभ्यास है इस पवन मुक्त आसन सीरीज टू का, वो है बोट पोज, नाव का आसन। नाव की तरह आकृति बनानी है शरीर की, सांस भरेंगे, भरकर पैर को भी उठाएंगे, गर्दन सिर कंधा और एक ट्रंक उठाएंगे, हमारा पूरा जो वेट है शरीर का हमारे हिप पे नितंबों पर केंद्रित रहेगा, और जितनी देर तक इस अभ्यास को करेंगे सांस को अंदर भर के रोकना है जब तक आप आराम से रुक पाए, दो चार सेकंड तक, दस सेकंड तक, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप वापस आएंगे तो सांस को बाहर निकालते हुए आए, सांस लेंगे, पेट पे बहुत ही दबाव पड़ता है, आपके शरीर में लगता है वाइब्रेशन भी हो रही है, प्रयास करें धीरे धीरे वाइब्रेशन कम होगा जैसे जैसे अभ्यास आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत अधिक ऊपर नहीं उठना इसमें, और इस बात का ध्यान दें कि आपका जो जितनी ऊंचाई पे पैर है उतनी ऊंचाई पे आपका हाथ गिरे, यानी हाथ की जो मध्यम अंगुली है आपके पैर के अंगूठे के बिल्कुल सीध गिरे। ये नौ का आसन है, ध्यान इसमें भी देना है कि जिनके कमर में दर्द हो, खिंचाव हो, अभ्यास नहीं करेंगे, साटिकायासनिक स्थिति में भी अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी लोग अभ्यास कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले या हार्ट पेशेंट वाले भी इस अभ्यास को करते समय थोड़ा बहुत सावधानी बरतेंगे या तो नहीं करेंगे। हाँ, इसके लाभ की बात करें तो आपने देखा ये जब आप कर रहे हैं तो आप इसका एक दूसरा वेरिएशन है कि पूरे शरीर को टाइट कर लेते हैं इसमें, तो पूरा हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, ये सारे तंत्र पे प्रभाव डालने वाला है नौ का आसन, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो जो शरीर में आलस्य है, जो जड़ता है, शिथिलता है प्राण ऊर्जा के अवरोध के कारण, प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है उसके ठीक ढंग से नहीं होने के कारण, वही शासन के अभ्यास से होती है। ये नौकासन का अभ्यास था, आठ अभ्यास पूर्ण हुए, आप लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स, धीरे से आपको बैठ जाना है, तो मित्रों अभी हम लोगों ने पवन मुक्त आसन सीरीज टू का अभ्यास किया, कुल आठ आसन इसमें थे, और अगला जो ट्यूटोरियल आएगा वो पवन मुक्त आसन सीरीज थ्री का होगा।
इस प्रकार अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सीखने में भी आसानी होगी, किसी दूसरे को सिखाने में भी आसानी होगी। आपको बता दें कि आगे भी हम जो आसनों का अभ्यास करेंगे, चाहे वो चक्रासन हो, धनुरासन हो, हलासन हो, बिना इनके अभ्यास यानी बिना पवन मुक्तासन सीरीज 1, 2, 3 के अभ्यास को उसको आप ना करें। अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपका शरीर उसके लिए तैयार भी ना हो, लचीलापन उतना ना हो, तो कहीं खिंचाव भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि जब भी आप अभ्यास करें या कराएं तो पहले पवन मुक्तासन सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 का कुछ दिनों तक अभ्यास कराएं, 1 महीने तक अभ्यास कराएं, उसके बाद ही आगे के अभ्यास में आप जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए ऐसा होगा कि जैसे सीढ़ी पे आपको चढ़ना है तो आप शुरू के 5-6 सीढ़ी न चढ़िए और बाद में सीधे आप सोचिए कि हम टॉप पे पहुंच जाएं या बीच में पहुंच जाएं, तो समझ सकते हैं कि आपको उतना फायदा नहीं मिलने वाला, नुकसान भी हो सकता है, खिंचाव, तनाव, मोच के रूप। तो ये सारे पवन मुक्तासन सीरीज 2 के आसन थे। आगे मैं और आपको बताऊंगा। आप वीडियो पे अपने कमेंट देते रहिए कि कैसे आपको आसन लग रहे हैं, सीखने का आपका जो क्रम है सही है कि नहीं है, आपको कैसे अनुभव हो रहे हैं पूरे अभ्यास के दौरान। अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है इन अभ्यास के दौरान तो वो भी हमसे शेयर करिए, उसको दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव भी होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे तो और भी सारे जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको भी पता चलेगा कि कैसे कैसे अनुभव होते हैं। कई अनुभव ऐसे होते हैं कि शुरू में दिक्कत आती है, 2-4 दिन के अभ्यास के बाद वो दिक्कत समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर समस्या किसी की अधिक दिन तक बनी रहे तो आप अपने योग प्रशिक्षक से या डॉक्टर से जो भी है संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी योग की देता रहूं, योग के अभ्यासों की सही और सटीक जानकारी देता रहूं, उनके सही विधि के साथ, सावधानियों के साथ और लाभ के साथ। अब अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक योग की सही जानकारी दूं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हरिओम।